बसम या व या कनस्ताई मेरे पाकिस्तानियों कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था जो घर जलाया गया था उस केस में बरी हो गई हैं अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है अब डॉक्टर यासमीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी ये जो जलाए गए वो जो घर जलाया गया और जिधर भी तीन चार जगह और जो जला जगह जलाई गई हैं ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी क्योंकि डॉक्टर यासमीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है यूट्यूब पे चले जाएं वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना स्पीकर लाउड स्पीकर पर कह रही हैं अंदर नहीं जाना तो इससे अब आगे आ उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया दस हजार से ज्यादा लोग जेलों में क्या ये एक प्री प्लान एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ ले कर ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं इनकी आड़ ले कर सारी पार्टी को बैन करना था सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और ताशद किया जा रहा है क्या ये पहले से प्लान था अब तो ये सामने आ रहा है ये तो अब वाजह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी नहीं तो डॉक्टर यासमीन बरी ना होती और मेरा सत्ताईस साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे यह बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है मन धरना करना लॉन्ग मार्च करना जब तक वह पुरमन रहे यह हमारा हक है यह मेरा आइन मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे यह हक देती है और यह सबको पाकिस्तानियों को देती है तीन लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की गई तीन बताएं कितनी एफ आई आर कटी कितने लोगों को पक... कितनों के घरों में घुस के उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाके लोगों को जेलों में डाला गया कितों की मार पटाई की गई कितों के ऊपर टेर गैसिंग की गई और मुझे यह बताए कि अब जो हमारे लोगों को अंदर डाला हुआ है क्या कोई इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी देखिए यह हो ही नहीं सकता यह दुनिया का कानून नहीं है कि आप ही जज करें आप ही फैसला करें सजा और आप सजा दे दें जज ज्यूरी एक्सिक्यूशन ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है और मैं बार बार मैं जब से जेल से निकला हूं मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि यह हम ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतजार नहीं चाहती क्योंकि इंतजार तो वो चाह रहे जो इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से ये सारों की मिल के साजिश थी देखें अब पीछे दे जाए ना हम मैं बेल पे था मैं हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं मुझे कोई कोई मेरे ऊपर चार्ज भी नहीं था इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई वारंट निकली तो मेरे सामने रखे मैं चुप करके एक्सेप्ट करके आप मुझे जेल में ले जाए ये मैं कह के निकला था फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है शीशे तोड़ते हैं लोगों को डंडे मारते हैं जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस में थे उनको मारे पड़ते हैं कंप्यूटर तोड़ देते हैं शीशे तोड़ देते हैं और मुझे एक दहशत गर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं जो सारी उसकी सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें तो उसका बाद तो अमल आना था तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये जान के किया गया था क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी मैं हाईकोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे तो क्या वो सारा कुछ करना वो मार धाड़ करना क्या यह मनसूबे का हिस्सा था और यकीन करें जैसे ही मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं जब उन्हें पकड़ के लेके गए बड़ी मेरे से तमीज से बातें हुई कोई मेरे से बुरा 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 सलूप नहीं हुआ वहां से लेके नैब में तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था जिसका रद्द अमल आया और वो पहले से प्लान किया हुआ था ये जो सब कुछ हुआ है मैं फिर से कहता हूँ कि अगर सच पे पहुंचना है तो वो सिर्फ एक तरह कि एक, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए और ये जो हुआ है डॉक्टर यासमिन की जो बरी किया गया और वो होना ही था उन्होंने बरी क्योंकि उनकी तो वीडियो चल रही थी कहते कि अंदर नहीं जाना आपने और रोक रही थी लोगों को तो उससे तो परी होना था लेकिन ये हमारी प्रेसिडेंट थी सेंट्रल पंजाब की सारा सेंट्रल पंजाब इनके नीचे था तो जो भी इन्होंने बोलना था वो हमारी पॉलिसी थी तो एक तो मैं ये आज कहना चाहता था कि ये एक ऐसी एक चीज़ हुई है कि जो सबको जो हमारे ऊपर सारों को गद्दार बना दिया फौज के दुश्मन बना दिए ये सबको आप सवाल पूछना चाहिए कि इसके पीछे कौन था दूसरी चीज़ मैं अपने कारकुनों की अब बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अब जो निकल के आए हैं कारकुन अभी मैं बाहर मेरे एक कारकुन जिसको सत्रह दिन जेल में रखा है वो वापस आया सारे एक ही कहानी सुना रहे हैं इतने ज्यादा लोग हैं जेल छोटा है, है। सबको वहाँ बंद किया हुआ यानी वो जेल में गुंजाइश ही नहीं है जो जेलों में जितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ किस हालात में वो रह रहे हैं किस तरह गंदगी है वहाँ खाना उनको दिया नहीं जाता दो दो दिन कहता हमने रोज़े रखे हैं खाना ही नहीं था और फिर उनसे जो सलूक किया गया यानी ऐसे रखा गया ये पोलिटिकल वर्कर्स है इन्होंने कोई क्राइम नहीं की इनकी अभी तो क्राइम साबित ही नहीं हुई और फिर वो बताते हैं हम जाते थे उधर अदालत में वहाँ से निकलते थे दूसरे केस पर अंदर डाल दिया अब ये जो आदमी निकला है ये सिर्फ ये कोई चालीस लोग रिहा हुए हैं चालीस में से सात आठ निकले हैं बाकी उनको फिर जेलों में डाल दिया तो ये मुझे बताइए कौन सा कानून है आज पाकिस्तान में मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो भी आज हुक्मरानी कर रहे हैं क्या उनको अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाया जा रहा है ठीक है तहरीक इंसाफ़ को कमज़ोर किया जा रहा है तोड़ा जा रहा है लोगों को धमकियाँ दे के छुड़वाई जा रही है पार्टी घरों में घुस जाते हैं अगर वो नहीं मिलते तो उनके जानने वाले यानी खानदान के लोगों को पकड़ के ले जाते हैं अगर अग, अज, अगर वहाँ कोई घर में कोई नहीं है तो उनके फिर जो रिश्तेदार कहीं रह रहे हैं बहनें रह रही हैं उनके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं उनको उठा के ले जाते हैं फिर बिजनेस तबाह कर रहे हैं जो हमाद अज़हर की फैक्ट्री बंद कर दी है और भी मैं सबका बताऊं कि जिन जिन के हमारे जिन जिन के कारोबार थे कारोबार बंद कर दिए आतेफ खान का कारोबार सौ से ज्यादा लोग काम करते थे वो बंद कर दिए वो एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें वो रह गई बीच में तो ये जो किया जा रहा है मैं फिर से ये सवाल पूछता हूँ कि हम पहुँच जा किधर रहे हैं यानी इससे अचीव क्या होगा तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर होगी कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होगी मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं एक ही वजह से कि मेरे कोई भी केस के अंदर मुझे सजा नहीं हो सकती सारे मैंने वकीलों के साथ डिस्क सारे बोगस केसेस हैं। तो आखिर में मिलिट्री कोर्ट में सजा देंगे ये खोले इसलिए कि इमरान खान को सजा दी चलो जी मैं जेल में चला गया अब आगे चलेंगे उसके बाद क्या होगा उसके बाद पूछने की बात यह कि क्या पाकिस्तान जो तेजी से इस दल दल में घंसता जा रहा है इससे निकल जाएगा क्या हमारी मैशत जो इस वक्त कभी इतने बुरे हालात में नहीं थे जो आज है क्या यह जो महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बारह इशारिया चार फीसद थी जब हम इकतदार में थे एक साल पहले आज वो अट्ठतीस फीसद पर पहुंच गई है यानी लोगों को तनख्वाह तबके के लिए अब वो अजाब आ गया है और आता जाएगा बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे उनसे उन, उन उनको घर में जो खाने पीने की चीजें हैं जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ये 38 फीसद है वो पैंतालीस फीसद पर पहुंचा हुआ है यानी जो घर की खाने पीने की चीजें जो आम किचन आइटम्स हैं जो बिजली वगैरह है तो क्या ये ठीक हो जाएगा इससे क्या मुझे कोई आज बता दे कि तहरीक इंसाफ चले इलेक्शन भी हार गई क्या यही लोग आएंगे ना वापस जो जो अभी इकतेदार में बैठे हुए हैं तो इन्होंने तो एक साल में मुल्क को तबाही बेड़ागा करके रख दिया है ये जो अब तो जो फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं आदाद और शुमार ये तो छुपते नहीं हैं ये तो आप सीधी तरह पाकिस्तान की वो इकोनॉमिक सर्वे देख लें उसमें तमाशा देख लें कि क्या हुआ कहा दो साल एवरेज औसत जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी वो छीसद थी छ फीसद का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये वो वो दो साल थे जिधर सबसे ज़्यादा माशत ऊपर जा रही थी और मैं याद करा दूं जो पिछली दौरों में जब ऐसे गई है तो अमरीकी डॉलर आ रहे थे अयूब खान के दौर में सीटों और सेंटों का पैक था हम उनके साथ मिले हुए थे हमें डॉलर आ रहे थे जिया के दौर में हम अफगान जहाद का हिस्सा बने थे तब भी डॉलर आ रहे थे जनरल मुशरफ के दौर में एक दो साल जो तरक्की हुई थी वो हम वॉर ऑन टेरर में उनके साथ मिले हुए थे तब भी डॉलर आ रहे थे ये बाहर से डॉलर्स आने के बगैर मुल्क में छः फीसद औसत हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और ये एक एक शोबे में नहीं हुई जराई ज़राई जो हमने चेंजेस किए जो इंसेंटिव दिए साढ़े चार फीसद सत्रह साल के बाद हमारी जराई ग्रोथ हुई हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी जैसे असल नौकरियाँ हैं वो सत्रह साल के बाद वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी दस इशार्य चार फीसद पर तो जो इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी हमारी ज़रात भी जो प्रोडक्शन सेंटर से अब बढ़ रहे थे पहली दफ़ा जोर लगाया था हमने आईटी के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पचहत्तर फीसद उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी और आगे उन्होंने और आगे जा रहा था बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे रोशन डिजिटल अकाउंट में पाँच अरब डॉलर आ चुका था और डेढ़ साल के अंदर और तेजी से बढ़ रहा था यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा आना शुरू हो गया था बड़े प्रोजेक्ट्स थे हमारे जिस तरह वो रावी सिटी ये इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी का हमने पैसा लेके आना था क्योंकि अभी तो सिर्फ घरों में घर लेते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में ले। लेकिन असल जो पैसा जब आप पूरा शहर बना रहे हैं उसमें असल पैसा आना था डॉलर्स आने थे पाकिस्तान में और जो अगर ये सिंध हुकूमत ना हमारा वो प्रोजेक्ट बंडल आइलैंड का खत्म करती बड़े बड़े अरबों डॉलर की वहां इन्वेस्टर्स तैयार थे आने के लिए तो पाकिस्तान में डॉलर भी आ रहे थे इतने ज्यादा जो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछे कभी इतने उनके नफे हुए हैं बिजनेस बढ़ रही थी तो मुल्क जब तरक्की कर रहा था उसको जब आप यहां पहुंचाया है और इन लोगों ने आके आज तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया है ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है ना कोई पैसा आ रहा है ना बाहर से किसी को इतमाद है ना अंदर से तो क्या इन्होंने इनको अब आगे ले जाके मुल्क ठीक करना है तो मेरा सवाल दो और है कि मुल्क तो तब ठीक होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आती कभी भी इस मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो ये तो हम दूसरी तरफ चले गए हैं हमारी अदलिया ने एक बड़ा एक एक पहले हमेशा इकतदार के साथ चलती थी एक अली शाह जस्टिस चीफ जस्टिस ने कोशिश की उनके ऊपर पूरा नवाज शरीफ का माफिया ने पूरा उनको डंडों से अटैक करके तो उनको फारग कर दिया पैसे चला के उसके बाद हमारी अदिया कभी आज़ाद नहीं थी यानी कोशिश भी नहीं की पहली दफ़ा दो हज़ार सात में वकला की मूवमेंट शुरू हुई चीफ जस्टिस के साथ वकला खड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता कौम खड़ी हुई और पहली दफा पाकिस्तान में उम्मीद हुई कि हमारी अदलिया आजाद हो रही है और अदलिया ने अच्छे फैसले किए लोगों को इतमाद आना शुरू हुआ आता अदलिया में वो सारा कुछ आज तबाही के किनारे पर फिर से पहुंच गया आज अदलिया सहम गई है उनको ड्राया धमकाया जा रहा है जजेस को टेलीफोन कॉल जा रही हैं उनके ऊपर टेपे दिखाई जा रही हैं ब्लैकमेल के लिए या आपके टेपे हैं या आपके ऊपर ये कोई केसेस बनाए हुए हैं वो घबराए सहमे हुए हैं जो जजेस का हमने हालात देखे हैं वो इस मुश्किल हालात में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून के साथ चलें लेकिन उनके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है कि वो वो काम करें जो कि सारा वक्त हमारी अदलिया करती है ताकतवर के साथ चले जाए और फिर मीडिया मीडिया को जिस तरह इन्होंने मीडिया का मुंह बंद किया है और जिस तरह की धमकी दी गई है और मैं आज ये पूछना चाहता हूँ वो बड़े बड़े लोग जो हमारे दौर पे कहते थे कि जी मीडिया की आज़ादी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं वो आज़ादी वापस लेने के लिए मैं आज उनसे पूछता हूँ कि आज वो किधर चले गए आज क्यों नहीं आप बोल रहे आज तो आपके ऊपर वो मीडिया के ऊपर किया ये मार्शल लॉज के अंदर भी नहीं ऐसा था मुशरफ के मार्शल लॉ में बिल्कुल इस तरह की पाबंदियां नहीं लगी थी आप देख लें मुशरफ़ का मार्शल लॉ यानी मैं अपोजिशन में था हमें पूरी मौका मिलता था बोलने का आज तो नाम भी नहीं इमरान खान का कोई ले सकता तहरीक इन का कोई नुमाइंदा भी नहीं जा सकता तो किधर की मीडिया की आजादी और जमहूरीत तो होती है जमहूरीत के पिलर क्या होते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं अदालतें जो हमारे शहरीों के फंडामेंटल राइट हैं पुराम एतजाज करने का वो ख़त्म हो गया एक पोलिटिकल पार्टी की अपने आ, जो एक्टिविटीज़ करने के लिए जो अपनी जलसे करती हैं जुलूस करती हैं वो सब खत्म हो गए हैं एक पूरी जो पार्टी साठ से सत्तर फीसद पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है उसको बंद किया जा रहा है इसका मतलब जमहूरियत ख़त्म की जा रही है अदालतों को दबाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया हुआ है और उनको कमज़ोर किया गया है उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि वो फैसले ना करें जमहूरियत के साथ ना खड़े हो और मीडिया का वो मुंह बंद कर दिया जो कि फिर उसके बगैर तो जमहूरियत चलती नहीं आज़ाद मीडिया के तो आज़ादी राय भी ख़त्म हो गई है तो अब रह क्या गया है अब रह गया ये कि या हम चुप करके ये ताकत की हुक्मरानी मान लें और अब जाएँ उसी जो पहले पाकिस्तान पहले जो डार्क एजेस मैं कहता हूँ जो हमारे बुरे वक्त थे कि जधर हम दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ता था कि जनाब पाकिस्तान में तो मिलट्री डिक्टेटरशिप या तो आज़ादी नहीं जमूरीत बार बार हिंदुस्तान सारे फोरम्स पर कहता था कि पाकिस्तान में जमूरियत नहीं हम बात किससे करें और आज वापस उसी दौर की तरफ जा रहे हैं यानी जमूरीत को जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं इसका मतलब आज़ादी जा रही है हकी जमूरियत वो होती है वो ही हकीकी आज़ादी देती है क्योंकि वो आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती है वो इंसाफ़ देती है ताकतवर से आपका निज़ाम आपका आइन आपको तहफुज देता है लोगों को आज़ाद कर देता है तो ये तो फिर वो वापस चले गए वहाँ यहाँ तो कोई आज़ादी नहीं है अब यहाँ तो हर किस्म की आज़ादी पर पाबंदी लग गई है तो ये आज़ादी के ऊपर पाबंदी नहीं लगी ये मुल्क के फ्यूचर के ऊपर पाबंदी लग गई है मुल्क इस दल दल में से निकला कैसे मुझे ये बताएं कि इस इनके पास अब क्या फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ करें। इस मुल्क के अंदर जब तक लोगों को इन्वेस्टर्स को जो बाहर सरमाकार हैं, जो सबसे बड़ी आपकी ताकत ओवरसीज पाकिस्तानी है जब तक उनको इतमाद नहीं होगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे, इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी और सरमायाकारी नहीं आएगी तो हम तो ऐसे करके भीख मांग के खड़े होंगे कि कहीं से कोई हमारा दोस्त मुल्क हमें पैसे डॉलर दे दे तो असल तो डॉलर आने हैं सरमायाकारी से वो तब आएंगे जब उनको इतमाद हो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पर तो जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और आइन का आइन के मुताबिक जो फैसला करता है कि इलेक्शन होने हैं चौदह मई को गवर्नमेंट वही नहीं मानती धमकियां देती है चीफ जस्टिस को ओपनली कहती है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे तो उस मुल्क के अंदर कौन उस मुल्क के इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद करेगा और जो सरमाकार होता है जिसने मेहनत से अपना सरमा जमा किया होता है वो बहुत घबराता है बड़ी जल्दी घबरा जाता है उसको जब तक एतमाद नहीं होता कि मेरा सरमा को एक मुल्क का इंसाफ का नजा तहफ़ देगा मैं जब बिज़नेस करूँगा तो मेरे पास अगर फ्रॉड हुआ तो मेरे पास एक जस्टिस सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करेगा मुझे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता अल दुबई के अंदर यू में अभी मुझे वहाँ से एक खबर आई कि पिछले आठ महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने अल आइन में इतनी इन्वेस्टमेंट की है जो कि इन्होंने दस साल में पाकिस्तानियों ने नहीं वहाँ की थी तो पाकिस्तान के तो सरमाया बाहर जा रहा है बाहर से छोड़ें कि सरमाया पाकिस्तान आ रहा है लोगों को तो उम्मीद खो बैठे हैं वो अपना सरमाया भी भेज रहे हैं और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है यानी जो हमारे प्रोफेशनस है जिनको बाहर नौकरियां मिल सकती हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो आगे तो हमारा उम्मीद ही खत्म हो गई है तो ये अगर सारा प्लान है कि किसी तरह ये सब कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तो उसके बाद आगे तो प्लान बताएं कि खत्म करके फिर क्या करना है तो वो तो कोई नजर ही नहीं आ रहा उनका तो कोई रोड मैप है ना इनके पास इनके पास तो होता तो अब तक ये ठीक कर चुके होते हैं मुल्क तो ये तो किसी के ना इस्टेबलिशमेंट के पास कोई रोड मैप है तो ये तो हमें अंधेरे में लेके जा रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ अपनी कॉम को आज ये कहना चाहता था कि देखें दो रास्ते हैं फैसला हमने करना है कि क्या हमने ये एक जंगल के कानून की तरफ जाना है और तबाही की तरफ और अंधेरे की तरफ या हमने सारी कौम ने जदोजहद करनी है आज़ादी की तरफ रूल ऑफ लॉ की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हकीकी जमूरीत की तरफ और खुशहाली की तरफ ये दो रास्ते अब आ गए और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह मैं खड़ा हूँ और एंड तक जब तक जिंदा खड़ा रहूँगा आपने भी इस मुल्क हकी की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े रहना है शुक्रिया